तो चार दिन की चांदनी फिर काली रात। सीएनजी के दाम एक रुपए बढ़ चुके हैं, रुपया गिर रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। देश की सरकार और देश की मीडिया दोनों ने इस मुद्दे पर खामोशी साध ली है। चुनावी नतीजों के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना तय माना जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल पर पहुंच चुकी हैं। दिल्ली के साथ साथ दूसरे शहरों में सीएनजी के बढ़े हुए दाम मंगलवार यानी कि 8 मार्च सुबह 6 बजे से लागू हो चुके हैं। महंगाई की वजह से आशियाना भी बनाना अब महंगा हो गया है। सरिया, सीमेंट, बालू और बजरी के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन हमारे देश की मीडिया खामोश है। वहीं टाइल्स के दामों में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। सरिया 8,000 रुपए क्विंटल तक जा पहुंचा है। आपकी जेब से मेहनत की कमाई की पाई पाई फिसल रही है, मगर मीडिया एग्जिट पोल के सपनों की दुनिया में आपको ले जा रही है और ले जा चुकी है। तो क्या वाकई में अब तमाम दिग्गज न्यूज चैनल पर दुहाई देंगे कि कोरोना के बाद यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, इसलिए राष्ट्रभक्ति का सबूत दीजिए और महंगा पेट्रोल डलवाने के लिए तैयार हो जाइए? क्या पहले से ही बहुत महंगा हुआ पेट्रोल अब और भी ज्यादा यानी कि बहुत 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 महंगा हो जाएगा? जैसे कि हमने कल भी आपको बताया था कि अमूल दूध ने अपने दाम बढ़ा दिए। अमूल दूध ने प्रति लीटर 2 रुपए अपना जो दूध है वो महंगा कर दिया। दही 2 रुपए महंगी। सरसों को छोड़ दे तो सभी खाद्य तेल अब और महंगे होते जा रहे हैं। अगले महीने आपके घर की EMI ब्याज दर यानी कि आपके घर का लोन महंगा हो सकता है। एक खुशखबरी और ले लीजिए, चर्चा इस बात की भी है कि चुनाव खत्म है, महंगाई के संकेत हैं। पहली बार $1 का भाव 77 रुपए के करीब जा पहुंचा है। 60% भारतीय 6 महीने से महंगाई की आग झेल रहे हैं, तमाम रिपोर्ट सामने आ रही है। उदाहरण के तौर पर पिछले महीने सरिये का दाम 6,200 रुपए से 64 रुपए, जो अब 8,000 रुपए क्विंटल तक जा पहुंचा है। वहीं ईंटों के दाम में भी इजाफा हुआ है। ईंट होती है अव्वल ईंट। अव्वल ईंट का दाम जो पहले 2,800 रुपए था वो अब 5,500 रुपए पहुंच गया है। सीमेंट का रेट 380 रुपए था वो अब 425 रुपए तक जा पहुंचा है। बजरी का रेट पहले 48 रुपए क्विंटल था, अब 55 से 60 रुपए क्विंटल पहुंच गया। माना जा रहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से मकान बनाने के मटेरियल पर भी इसका असर पड़ सकता है। हैरा गजब का इत्तेफाक, युद्ध वहां हो रहा है, एक युद्ध आप महंगाई से लड़ रहे हैं, और सरकार पहले कोरोना और अब यूक्रेन का बहाना लेकर क्या सामने आएगी? पेट्रोल डीजल के दाम भी क्या वाकई बढ़ने वाले? अब पड़ेगी महंगाई की मार। कांग्रेस कह रही है महंगी पड़ी मोदी सरकार। चुनाव खत्म, अब दाम बढ़ेंगे? ये सवाल हर किसी के जहन में है। और सीएनजी के रेट बढ़ाकर पहले ही इसका जवाब दे दिया गया। ये अभी ट्रेलर है, पूरी की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यानी कि महंगाई की मार के लिए आप तैयार हो जाइए, इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहिए, क्योंकि महंगाई होना तय है। यानी कि बहुत महंगा हो चुका पहले से भी, अब और भी महंगा, बहुत बहुत महंगा हो जाएगा। क्या वाकई में हो जाएगा? सीएनजी के दाम भी मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे ही मेहमान जुड़ेंगे तो मेरे सहयोगी मुझे बताएंगे, अपने मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। पहले और अब के दाम क्या थे सीएनजी के, वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। मैं सीधा रुख करूंगा अपने मेहमानों की तरफ। बीजेपी का पक्ष रखेंगे गुर्रेश शेख जी, बीजेपी के चेहरे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ चंद्रेश कुमार जी जुड़े हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ राहुल लाल जुड़े हुए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में, और एक विंडो आपको दिखाई दे रही होगी ब्लैक कलर की। अब इस विंडो पर एक शख्स प्रकट होंगे
और जैसे कि मैंने कल आविष्कार किया था, एक क्योंकि गुररेज भाई थे नहीं, कल एक आविष्कार किया था, एक बीजेपी के नेता ही इस कार्यक्रम का हिस्सा थे और उन्होंने कहा था कि ये चर्चा यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, आप तथ्यों के साथ आए, मैं भी तथ्यों के साथ आऊंगा, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आप समय निर्धारित करिए, डेट निर्धारित। तो मैंने समय निर्धारित किया था, वही 8 बजे का कार्यक्रम, जगह निर्धारित की थी न्यूज वर्ल्ड इंडिया, और चर्चा के लिए उनको भी आमंत्रित किया, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कल कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा था कार्यक्रम करिएगा, तो मैं कार्यक्रम कर रहा हूं। और कुरेशी आपका आभार इसलिए क्योंकि आप उन काबिल प्रवक्ताओं में से हैं जो भागते नहीं हैं अपनी डिबेट से, थैंक यू सो मच। और अभी जिन शख्स का मैं जिक्र कर रहा था और वो विंडो ब्लैक कलर की थी, वो कौन है, क्या है, मैं आपको बताऊंगा, आमंत्रित करूंगा, क्योंकि एक नया आविष्कार मैंने किया और वो नए आविष्कार के पीछे की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने ऐसे सज्जन को ढूंढा है और उस आविष्कार के पीछे की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। कल भी मैंने उनको कार्यक्रम में आमंत्रित किया था और आज भी मैं उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहा हूं। लेकिन जिस सीएनजी के दामों के बढ़ने का जिक्र मैंने किया था, वो कैसे सीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं, वो आपको मैं दिखा रहा हूं। लेकिन इसके साथ साथ पहले मैं अपने 3 जो मेहमान हैं उनकी तरफ रुक करूंगा। गुरेश शेख जी, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा और पिछले 3-4 दिन से मैं एक सवाल का जवाब तलाश रहा हूं लेकिन अभी तक नहीं मिला, जवाब ही नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। मैंने पूछा था कि गाड़ी की टैंकी फुल करवा लूं, कोई बता नहीं रहा करवा लूं कि नहीं। बहुत से लोग कह रहे थे कि 7 तारीख को वोट पड़ेगा और उसके बाद नहीं, बहुत कह रहे हैं कि 10 के बाद भी बढ़ सकता है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अगर 10 के बाद भी नहीं बात, फिर लोग कहेंगे कि 20 के बाद बढ़ सकता है, क्योंकि कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ चीजें बढ़ती ही रहती हैं। और मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ टाइम में, जब मैं पहली बार पेट्रोल डलवाया था तब पेट्रोल की कीमत होती थी 18 रुपए लीटर, बिल्कुल उसके बाद से मैंने कम होती हुई कभी नहीं दिखी। और उसके बाद लंबे कालखंड कांग्रेस की सरकारें रही हैं, केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, तो उसी के लिए मैंने आपके सामने कुछ लेकर आया हूँ, प्रस्तुत करता हूँ आपके लिए, आप बताइएगा, क्योंकि आप तो यूक्रेन का युद्ध और तमाम इंटरनेशनल खबरों पर भी नजर रखते हैं और मेरे मित्र राहुल भी मैंने उनको आमंत्रित किया है। ये मनमोहन सरकार के वक्त जुलाई 2008 में कच्चे तेल के दाम $132 प्रति बैरल थे और पेट्रोल की कीमत थी 50 रुपये, यानी कि 50 रुपीज, और डीजल 34 रुपये। ये आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये आंकड़े। और जब मोदी सरकार आई तो अक्टूबर 2021 में कच्चे तेल के दाम $82 प्रति बैरल के हिसाब से और पेट्रोल के दाम पहुंच गए $110। ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है ना कि नहीं गुरेश भाई? हाँ, उसके साथ बहुत सारे और आंकड़े भी हैं। उसके बाद जो सड़कों का जाल बिछने की रफ्तार बनी वो 3 गुना ज्यादा बनी पहले के मुकाबले। उसके बाद किसानों को सम्मान निधि मिलना शुरू हुई जो कभी नहीं मिलती थी। उसके बाद गरीबों को आवास मिलना शुरू हुआ जो कभी नहीं मिलता था। अच्छा। मिलकर इंडिया को ODF आउटडोर डेफिनेशन भी बनाने के मुहिम चालू हुई जो बहुत कामयाब हुई, तो वो सब आंकड़े भी सामने रखना चाहिए। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि विकास के लिए बहुत जरूरी है कि पेट्रोल 50 रुपए की जगह 100 रुपए डलवाइए, राष्ट्रभक्त मतलब? ऐसा कभी नहीं कह रहा, नहीं। देखिए, मैं जब भी बात करता हूँ आंकड़ों के साथ तर्क के साथ। नहीं सर, ये आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आंकड़े झूठे नहीं है, अगर आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, वो आंकड़े आगे भी है मेरे पास। नहीं, वो बिल्कुल सही है। आपके आंकड़ों को मैं तो मनमोहन सरकार के वक्त जब आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार इनकी सरकार, अब की बार उनकी सरकार, 35 रुपए पेट्रोल डीजल मिलेगा, तब आपने कहा था कि ये दे रहे हैं $132 प्रति बैरल जिसके दाम 50 रुपए थे मनमोहन सरकार के वक्त। आपकी सरकार ने $82 प्रति डॉलर में भी $110 का रेट दिया, ये नहीं समझ में आया लॉजिक। नहीं, बिल्कुल, हमने जब पेट्रोल की कीमतें कम थी अंतरराष्ट्रीय बाजार में तब भी हमने उसको एक्साइज कमाया, और एक्साइज कमा था अपनी पॉकेट में नहीं डाला, उस पर सड़कों के जाल भी बिछाए गए, गरीबों को घर भी दिया गया, उस पर शौचालय अच्छा। भी दिया गया, गैस का चूल्हा भी दिया गया। तो सीधा 200 रुपए कर दीजिए ना सर, राम राज्य आ जाएगा, 200 रुपए कर दीजिए, राम राज्य आ जाएगा।
200 रुपये कर लीजिए। देखिए ये एक्सट्रीमिस्ट व्यू हो गया जो आप दे रहे हैं, नहीं तो ये जो और आप बता रहे हैं जो वो भी वही है हमेशा, सर। नहीं हम जो बता रहे हैं एस्टिमेट व्यू नहीं है। अगर उस समय 70-75 रुपए का आप डीजल डलवाते थे मनमोहन में और आज आप 80 पर बता रहे हो तो एस्टिमेट सर व्यू जरा भी उनके बोल रहा बारे हूँ में मैं सोचिए जो तो। दो पहिया वाहन पे चलते हैं, कोरोना ने पहले ही उनकी रोजी रोटी छीन ली, अब वो बेचारे 100 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे तो घुर्रे सी आपको कितना याद करेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल मुझे नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, वो मैं उनके विषय में सोचता हूँ, लेकिन उनसे भी ज्यादा उनके विषय में सोचता हूँ जो बारिश में बिना छत के सोते हैं। मैं उनके विषय में भी तो सोचता हूँ उनके विषय में कौन महिला के सोचता बलात्कार है उसकी जो में एक जब वो एक ऑटो दिन डिटेक्ट में के जिनकी लिए जाती कमाई 60,000, 70,000, 80,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख होती है, उनके बारे में भी तो आपकी सरकार सोचती है ना कि लोन माफ कर दो इनका। सर सर अभी उस लेवल पे मैं पहुंचा नहीं हूं, इसलिए इतनी बड़ी बात नहीं करता। नहीं सर चलिए ठीक है, अब मैं धनोज जी भी आ गए हैं, मैं आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था धनोज जी, और धनोज जी को मैंने इसलिए आमंत्रित किया है, कल एक आविष्कार किया मैंने महंगाई मित्र का, ये महंगाई सपोर्टर हैं, और धनोज जी ने कल कहा था चुनौती देते हुए कि मैं आऊँगा आंकड़े लेकर आऊँगा बताऊँगा महंगाई क्यों ज़रूरी है, महंगाई से कैसे विकास होता है, और ये महंगाई सपोर्टर हैं और इनसे मैं जानूंगा कि आखिरकार ये महंगाई का सपोर्ट क्यों करते हैं और क्यों इन्हें मजा आता है कि 100 रुपये का पेट्रोल डलवाऊं मैं, और अगर मोदी सरकार 200 रुपये का भी करे तो मैं 200 रुपये का भी डलवाऊंगा, महंगाई सपोर्टर बहुत ज़रूरी थे। लेकिन खैर राहुल लाल जी, सुना आपने गुर्रेज जी क्या कह रहे हैं? गुर्रेज जी कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है विकास के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तो छोड़िए सर, कल सीएनजी के दाम भी बढ़ गए, सीएनजी छोड़िए मैं तो देख रहा था कि भैया मकान बनाना महंगा हो गया, सरिया से लेकर बालू, बालू से लेकर सीमेंट, सब कुछ महंगा हो गया सर, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्या बहुत जरूरी है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना विकास के लिए? देखिए पेट्रोल डीजल के दाम की वृद्धि से विकास विकास नहीं होता, बल्कि आपके विकास के रास्ते अवरुद्ध होते हैं। आप जैसे जैसे आप अगर आप देखिए अगर आप महंगाई बढ़ाते हैं लेकिन साथ साथ उसी दृष्टि से लोगों के इनकम में वृद्धि होती तो लोग इस महंगाई का सामना कर लेते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एक तरह से महंगाई अप्रत्याशित तौर पर बढ़ रही है और लोगों के परचेजिंग पावर कैपेसिटी घटती चली जा रही है, तो दोनों के बीच में एक अजीबोगरीब सी स्थिति बनी हुई है। और जब आप इतनी महंगाई बढ़ाएंगे, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर मैं बार बार कहता हूं कि 2016-17 के फर्स्ट तिमाही में 9.2% का एक शानदार ग्रोथ रेट था इसी सरकार में, लेकिन कोरोना काल से पहले ही आते आते वो 9.2% से 3% पे वो ग्रोथ रेट आ गया था कोरोना से पहले जी। और उस तमाम का कारण क्या था? आपके मांग में कमी। मांग में कमी क्यों थी? क्योंकि लोगों के पॉकेट में पैसे घट रहे थे, तो देखिए लोग सामान खरीद रहे थे, कंपनियां बना नहीं रही थी। अब मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें फिर से महंगाई जैसी स्थिति बढ़ रही है, आप दूध जैसे आवश्यक वस्तुओं के भी अगर दाम बढ़ रहे हैं, सरकार अगर कह रही है कि भाई सरकार ने क्या जो सबका आवास योजना के अंतर्गत क्या उसके बजट की राशि बढ़ा दी, आप सोच के देखिए कि जो अगर घर निर्माण से संबंधित जितने भी चीजें हैं अगर उसके बजट में भारी कमी हो रही है, अगर बजट में उसके बजट में उसके कीमतों में काफी वृद्धि हो रही है तो आपका तो घर का लागत भी बढ़ता चला जा रहा है। देखिए तो दो तीन चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, क्या क्या डीजल और पेट्रोल, लेकिन आप अर्थशास्त्री मैं कह रहा हूं समझना चाह रहा हूं एक बात, क्या पेट्रोल डीजल के अलावा कोई और विकल्प है गुलरेज जी के पास, कोई और विकल्प है जिससे रेवेन्यू मिल जाए? ये कह रहे हैं हम सब्सिडी दे रहे हैं, विकास की योजनाएं चला रहे हैं, आज तक कभी नहीं चली ऐसी ऐसी योजनाएं हमने चलाई हैं, मेरा गांव मेरा देश, हमने गांव गोद लिए है ना सर, मेक इन इंडिया चलाया है ना सर, तो इतनी सारी योजनाएं जो चलाई, घर घर शौचालय पहुंचाया, उज्ज्वला योजना, तमाम सब्सिडी लोगों को, इसके अलावा कोई और रास्ता क्या था हमारे पास? नहीं, रास्ता ये था कि आप जैसे देखिए आप थोड़ी महंगाई को, आप अगर महंगाई को कंट्रोल करेंगे, अरे ऐसा तो है ना कि इनकी सरकार मानती है कि महंगाई बहुत अच्छी चीज है, तब तो फिर आरबीआई नहीं कहती कि आप 5% के दर पर आप महंगाई को रोक के रखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नहीं कहती कि हम उसको 5% पर रोकने का प्रयास करेंगे, अगर अच्छाई चीज है तब तो फिर सरकार कहती है कि हम उसको 20% पर बढ़ा के रखना चाहते हैं। देखिए आप महंगाई बढ़ाते हैं तो आपका अर्थव्यवस्था का ग्रोथ घटता है, आप उसको अगर घटा के रखते हैं डीजल विशेष कर, देखिए डीजल पेट्रोल के दाम को जैसे आप कम करते हैं तो आपके अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर की स्थिति मिलती है, और अर्थव्यवस्था अगर ग्रोथ करेगा तो फिर हमारी कमाई बढ़ेगी, आपकी कमाई बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो स्पष्ट है कि सरकार के डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। आपको तेल नहीं, कल तक मैं तो अभी भी सलाह दूंगा कि कल तक गुर्रेश जी कह रहे थे सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, गुर्रेश जी कल तक कह रहे थे, मैं चंद्रेश जी के पास जा रहा हूँ,
गुर्रे शेख जी कल तक कह रहे थे कि कोरोना है कोरोना है कोरोना है कोरोना है, इसलिए महंगाई मजबूरी है। अब तो यूक्रेन में युद्ध आ गया, अब क्या होगा? अब महंगाई से युद्ध और लड़ेंगे अब कि नहीं? देखिए यूक्रेन संकट को लेकर तेल के दाम अप्रत्याशित तौर पर क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, इसमें कहीं पर तक नहीं आ रही है, अभी और भी बढ़ेगा। तो फिर राहुल आपने यही तो थ्योरी समझ नहीं है, चार महीने तक आप दाम बढ़ रहे थे तो चार महीने तक क्यों आखिरकार पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे, क्यों नहीं आखिरकार? आज 125वां दिन है जब तेल डीजल और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई, और हम लोग जानते हैं इसका कारण खुद एक तरह से जो जिसका कल परिणाम आना है पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव, यही इसके कारण है। देखिए पेट्रोलियम मंत्री जी ने क्या कहा कि अब हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग जोड़ देंगे कि भाई दाम बढ़ाए जा रहे हैं, अब तक नहीं बढ़ाए गए थे तो वो पांच राज्यों के चुनाव के कारण नहीं बढ़ाए गए थे। गुलदेव सेठनी ने कहा कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं 8 तारीख से ही दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा। गुलदेव जी बहुत बहुत बधाई धन्यवाद कि आपने 8 तारीख को नहीं बढ़ाई, 9 तारीख को नहीं बढ़ाई, एहसास किया कि 8 तारीख तक बढ़ाया नहीं, कह रहे हैं कि अब तक नहीं बढ़ा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा तो है चंद्रेश जी, बिल्कुल बढ़ेगा चंद्रेश, लेकिन गुरेश भाई ने ये नहीं बताया कि सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, है ना सर, सीएनजी के दाम भी बढ़ गए। चंद्रेश जी अपनी बात रखिएगा, फिर उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन रख दूं तिलक भाई, 10 सेकंड बस, जी बस चंद्रेश भाई से ये भी पूछ लेना कल परिणाम में इनके भाव कितने गिरने वाले हैं उत्तर प्रदेश। क्या पूछूं गुरेश भाई? इनका दाम कितना गिरने वाला है कांग्रेस पार्टी का कल? अच्छा दाम बढ़ेगा और गिरेगा भी, पार्टी और सरकारें चला रहे हैं या स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं? नहीं नंबर जीरो पे हो जाएगा ओके, सर वो एग्जिट पोल है, ठीक है हर किसी की अपनी विश्वसनीयता होती है, जब तक ना हो जाए तब तक सपनों की दुनिया में रहिए, क्या दिक्कत है, आप भी रहें, ये भी रहें, मैं भी रहूं, धनोज भाई भी रहे, सब रहें चंद्रेश जी, लेकिन सपनों की दुनिया से आज नहीं तो कल हमें बाहर तो निकलना होगा ना, जब हम हमारी दिल दिमाग से ये खुमारी उतरेगी कि भैया चुनाव खत्म, इन्होंने सरकार बना ली, उन्होंने सरकार बना ली, और देखा तो अपनी दोनों जेबों में हाथ डाला तो जेब दोनों खाली, है ना सर, सपना तो तब भी टूटेगा, आज भी टूटेगा कल भी टूटेगा, सपना तो सपना है ना कि हम 1 लाख कमाएंगे 2 लाख कमाएंगे 3 लाख कमाएंगे, लेकिन जब दोनों जेब में हाथ डाला तो ठन ठन गोपाल। चंद्रेश जी असली लड़ाई तो 10 के बाद भी शुरू होगी आम जनता की, है कि नहीं? मैं पहले डॉक्टर गुरेश शेख की बात का जवाब दे दूं, राजनीति का संबंध सिर्फ सरकार बनाने से चुनाव लड़ने से मात्र नहीं होता, राजनीति का संबंध इस बात से भी है कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। यदि हमारे समाज में कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है तो जो राजनेता है उसका ये नैतिक दायित्व तो है कि वो बुराई के विरुद्ध गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाए और लोगों के हक और हुकूक के लिए लड़े। पहली बात तो इनको स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूँ, जो ये व्यंग कर रहे थे वो समझ लें कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, महंगाई को लेकर आपने जो डिबेट चला रहे हैं मैं उसे सिर्फ एक डिबेट नहीं मानता, मैं उसे एक आंदोलन मानता हूं, और मैं आपको आपकी पत्रकारिता को सैल्यूट करता हूं। इस देश में थोड़ा मुझे आप समय देंगे मैं पूरी बात खोल के रख दूंगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ उससे पहले लगभग, राहुल लाल जी यदि मैं कहीं गलत बोलूंगा तो आप टोकिएगा, 1000 साल यह देश गुलाम रहा, और पिछले 1000 साल में इस देश का राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण विदेशी हुकूमतों के द्वारा किया गया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता प्राप्त हुई तो ना लोगों के पास छत थे, ना गांव में सड़कें थी, ना पीने की व्यवस्था थी पानी, ना ही स्कूल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली पंचवर्षीय योजना से इस देश को एक मॉडल दिया, रेल भेल गेल सेल आईआईटी आईआईएम केंद्रीय विद्यालय, बाद की सरकारों ने नवोदय विद्यालय और दूसरे विद्यालयों का भी मॉडल दिया। एक तो हमारा ये कृत्य है जिसको मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, जहां तक महंगाई की बात है, पिछले 1 साल में भारत का ऋण
दोगुना हो गया है। 2014 में जो भारत के ऊपर ऋण था, मैं आपकी बात से सहमत हूं चंद्रेश जी, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं। आपने हर मंच पर महंगाई के मुद्दे को उठाया, महंगाई के मुद्दे पर सवाल पूछे, आपने कहा कि जब जब सरकार आई मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाई, अगर फिर भी कुलरेश कल ये कहें कि भैया देखिए कि हम चुनाव जीत गए यूपी में, उत्तराखंड में, गोवा में हमने सरकार बना ली, तो इसका मतलब क्या होगा कि जनता ने आपकी बात को, या फिर महंगाई है ही नहीं? नहीं नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा। आप भी जानते हैं कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें 50% से अधिक सीट जिसके पास होगा वो सरकार बना लेगा। नहीं, वो तो आप भी बनाते थे, लेकिन ना? लेकिन हाँ हाँ मैं भी बनाता था, लेकिन अधिकतम जनता इसके मूलतः प्रश्न वही है कि जिस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में रण में उतरे उसे जनता ने नकार दिया, फिर मैं क्या समझूं? देखिए ऐसा है, कई बार राजनीति अपने ट्रैक से उतरती है। कभी जर्मन के लोग और ऑस्ट्रिया के लोग भी अपने ट्रैक से उतरे थे, जिसकी कीमत ऑस्ट्रिया के लोग और जर्मन के लोगों ने चुकाया। यूक्रेन के लोग भी अपने ट्रैक से उतरे थे, भावनाओं में बहकर एक मदारी को राष्ट्रपति बनाया, जिसका कीमत आज पूरा यूक्रेन चुका रहा है। हम भारत के लोगों को उस ट्रैक पर नहीं जाने देंगे, ना सरकार को उस ट्रैक पर जाने देंगे। अंतिम सांस तक भारत के एक एक नागरिक के हक और हुकूक के लिए हम लड़ते रहेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे। और नहीं, आप चुनाव लड़ने के लिए लड़ते हैं या फिर चुनाव इसलिए लड़ना क्योंकि आप राजनीतिक दल हैं? चुनाव लड़ने के लिए लड़ते हैं ना? हमारा गंगा किनारे बनकर तब करें? नहीं नहीं, कांग्रेस का संबंध सिर्फ चुनाव लड़ने से नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इससे संबंधित भी राजनीति है। सत्ता के चुनाव लिए से हमारा संबंध सत्ता के नहीं लिए है। हमने कई सरकारों को बर्खास्त होते हुए भी देखा है। सत्ता की खातिर, सत्ता को हड़पने की ख्वाहिश रखे है कि नहीं, सरकारें बर्खास्त होते नहीं देखी। आप इशारा कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सरकारें इस देश को सांप्रदायिकता की तरफ और देश को बांटने की तरफ ले जा रही थी। राष्ट्रहित में जो आवश्यक निर्णय था, राष्ट्रहित के नाम पर तो कई बवाल काटे हुए। राष्ट्रहित की बात मत करिए, राष्ट्रहित के नाम पर कई बवाल काटे हुए हैं। राष्ट्रहित के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है और फिर कह रहे हैं आप राष्ट्रहित, ये राष्ट्रहित नहीं है। राष्ट्रहित के नाम पर मेरे कई भाई जो है रोज कहते हैं कि वो देखिए हिंदू मुसलमान लड़वा दो, टकरा दो, भिड़ा दो, है ना? आप महंगाई मित्र के रूप में आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, और आपने कल भी कहा था कि अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मुझे याद आया आपकी बात, मोदी हैं तो मुमकिन है, 100 रुपए है पेट्रोल, अगर मोदी ना होते, कोई और होता तो 400 रुपए हो जाता, आपने शायद यही कहा था। आप चंद्रेश जी की बात से इत्तफाक क्यों नहीं रखते, और क्यों आखिरकार सिर्फ मसला पेट्रोल डीजल का नहीं है? महंगाई तो महंगाई है, और जैसे राहुल लाल ने बताया, डीजल के रेट बढ़ने का मतलब सीधा यह है कि आपकी जेब पर असर। बोलिए मेरे महंगाई मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मैं बधाई देता हूं, और आपने जो उपनाम दिया मुझे महंगाई मित्र, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं तीनों को सुना, टेक्निकल के वजह से मैं आज टाइम पर था, लेकिन टेक्निकली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, प्लीज। तो लास्ट में आया, और मैं अपना 2 लाइन से शुरुआत करता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग सुने और चंद्रेश जी के सवाल का भी जवाब दूंगा मैं। धन्यवाद जी, बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, 2 लाइन से शुरुआत। सबको यहां कहां मिलती है नौकरी, सबको यहां कहां मिलती है नौकरी, महंगाई का असर तो परवान चढ़कर बोलता है। सबको यहां कहां मिलती है नौकरी, महंगाई का असर तो परवान चढ़कर बोलता है। जो दिन रात करते हैं मेहनत, जो दिन रात करते हैं मेहनत, उसके ऊपर कहां महंगाई का असर होता है। अच्छा, जो दिन रात करते हैं मेहनत, उसके ऊपर कहां महंगाई का असर होता है। अच्छा, उन पर कोई अभी चंद्रेश जी गुणगान गा रहे थे, वो
कह रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेल दिया, भेल दिया, खेल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तिलक चावला जी, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, आप बता पाएंगे 1947 में पेट्रोल की कीमत क्या थी? आप बता दीजिए सर, इसीलिए बुलाया आपको। मैं बता देता हूं, 0.27 पैसे, सुन लीजिए, 0.27। और आपको यह जानकर खुशी होगा, अब थोड़ा सा मैं आपको ले आता हूं 1990-2008 में, ठीक है? आप मुझे लगता है थोड़ा वक्त दीजिएगा, और 1963 में, 1963 के समय में पेट्रोल 44 रुपये, उस टाइम मोदी जी नहीं थे जनाब, 1947 में मोदी जी नहीं थे, 1963 में मोदी जी नहीं थे, 1990 में मोदी जी नहीं थे, 2000 में मोदी जी नहीं थे, ठीक है? आप सुनते जाइए, और आप जानते हैं आई एम फ्रेंड ऑफ मोदी, आई एम फ्रेंड ऑफ महंगाई, आपने मुझे कहा है, बर्बाद किया है तो कुछ दे के भी किया। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ, 20 मार्च 1990 पेट्रोल की कीमत आपको जानते जनाब कितनी थी? 9.84 रुपीज 1990। अब आ ये 2000, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, मैं बताऊंगा, टाइम दीजिएगा, क्योंकि मुझे सबका जवाब देना है, क्योंकि मैं महंगाई मित्र हूं, मैं जवाब दूंगा। अब आइए आप 2008 में, पेट्रोल की कीमत थी 50 रुपये, डीजल थी 35 रुपये 2000। मैं आकलन बता रहा हूं, और क्यों बता रहा हूं वो बताऊंगा मैं इंप्रेशन में। और आपको यह भी बता दूं कि जो कच्चे तेल की बात करते हैं, जो कच्चे तेल की आप बात करते हैं ना, उसके लिए मैं बता दूं आपको, कहते हैं इंप्रेशन इन डिफरेंस कंट्री, दिखा रहा हूं आप, क्योंकि महंगाई से सिर्फ भारत ही त्रस्त नहीं है इसके हिसाब से। लेकिन मैं 2008 में आपको मैं 147 डॉलर बैरल, क्या बोलते हैं आप अपनी पत्रकारिता में कच्चे तेल को, राहुल लाल जी क्या लिखते हैं, बोलते हैं बैरल, क्रूड ऑयल, दो बैरल, बैरल, हाँ बैरल, बैरल 147 डॉलर 2008 में था। और मेरे ख्याल से 2008 में हमारे मित्र नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। अब आइए, अब मैं थोड़ा सा ये सब क्यों बोला वहां बता, सवाल सुन लीजिए, राष्ट्रीय संघ रोका नहीं, आपने आपने कंटिन्यू बोला, मेरे सवाल का जवाब दे दिया, कल आपने दिया नहीं था, आप गुस्सा हो गए थे, नाराज हो गए थे, नहीं नहीं वो तो दूसरी बात थी, हाँ दूसरी बात, आप बोले सवाल का जवाब, हाँ, मैं आपने कल नहीं पूछा था, आज तो पूछ लिया होगा, सिलेंडर का रेट क्या है आपके घर पे जो आता है? अरे मैं क्या कर रहा, सिलेंडर का रेट आपको पन में दूंगा ना जवाब, नहीं तो आपसे पूछ रहा हूँ, कल भी नाराज हो गए, आज भी नाराज हो गए, आप तो महंगाई मित्र, अरे नाराजगी की बात नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ सिलेंडर का रेट कितना है, आप सिलेंडर का रेट बताइए ना कितना, आपने मुझे क्या कहा है, इन्वेंशन क्या किया आपने, सरसों का तेल, महंगाई का तेल का रेट क्या है, अरे महंगाई मित, रिफाइंड का तेल का रेट क्या है, मैं बता तो रहा हूं पहले, आप कहां बता रहे हैं मुझे, दूध का रेट कितना, अरे है, न्यूज वर्ल्ड इंडिया को दर्शक पसंद करते हैं और मेरे लिए भी लोग लिखते हैं, ठीक है? अब जरा आइए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सीएनजी का रेट कल 2 रुपए 1 रुपए महंगा हो गया, अरे सर जी पहले सुन तो लीजिए, 200 रुपए से चलने वाले को परेशानी नहीं है, अच्छा पेट्रोल से चलने वाले को परेशानी नहीं है, अच्छा चावला जी आपको भी परेशानी नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे कांग्रेस को लोग भूल गया इस देश में, अब धीरे धीरे सुनिए ना, स्वप्न होते जा रहा कांग्रेस, एक दिन इतिहास के पन्ने में लग जाएगा कि कांग्रेस का कभी इतना बड़ा नेता हुआ करता था। आपके पास आ रहा हूं, आपने बताया नहीं रेट, 200 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए कल तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी कहते मैं महंगाई मित्र हूं, 200 रुपए का डलवा लेते ना पेट्रोल डीजल, आप दिक्कत क्या है आपको धनोज जी, अगर आप महंगाई मित्र हैं, अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं महंगाई का सपोर्टर हूं, तो राष्ट्रभक्त होने के नाते 200 रुपए का पेट्रोल, इस देश का एक भी नागरिक मुझे बता दीजिए किसी भी चैनल में फोन करके बोला हो या एक चिट्ठी लिखा हो, हाँ। विपक्ष का विधायक एमपी एमएलसी की भाई महंगाई से पूरा देश त्रस्त है,
मैं आपको कह रही पूरा चिट्ठा लेके बैठा हूँ, शायद आप तैयारी नहीं किए होंगे। नहीं नहीं मैंने मैं किया। पूरा जब से देश आजाद हुआ है हाँ। कौन और आपको शक्ति दास नहीं मैं इतना बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ आरबीआई, ये देखिए ना बोलने नहीं दे रहे आप हाँ। मैं बोलूंगा ना आज नहीं मैं इतना बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, मैं तो चार सवाल पूछे आपने चारों का जवाब नहीं दिया। 200 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे कि नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं इस देश का वो पत्रकार हूँ। 200 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे कि नहीं, गरीब मुर्दे को भी 200 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे कि नहीं। मैंने क्या कहा, 200 रुपए का राहुल गांधी प्रधानमंत्री होता 200 रुपए का 1000 रुपए लीटर होता, आज ये मोदी है। अच्छा 1000 रुपए लीटर ओके ओके थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रेश जी अपनी बात रखिए, फिर राहुल लाल गुरुदेशिक आपके पास आ रहा हूँ, अब बीच में मत बोलिएगा प्लीज। डॉक्टर धनोज को मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो किस मुद्दे पर वो सरकार में आए थे, उनके लिए महंगाई और पेट्रोल की कीमत एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया था और जनता के बीच कहा था कि जो सरकार महंगाई कम करने में असमर्थ है वह सरकार निकम्मी है, और प्रधानमंत्री आज महंगाई को कम नहीं कर पाए, उन्होंने अपनी ही बात से साबित कर दिया कि वो एक निकम्मा प्रधानमंत्री है, पहली बात। दूसरी बात, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी उस समय लगभग 140 रुपया प्रति बैरल क्राउड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में खरीदकर भारत में 60-70 रुपया प्रति लीटर देने का काम करती थी। आज देश के अंदर बहुत बड़ी बात मैं बात कर रहा हूँ आप समझिए, आज देश के अंदर 100 रुपया के आसपास पेट्रोल और डीजल बिक रहे हैं जबकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 60-70 रुपया प्रति बैरल के आसपास हुए। तो यह सरकार लगातार लोगों के शरीर में इंजेक्शन लगाकर खून निकालने का काम कर रही है और इस देश को गरीब और लोगों को और गरीब बनाने का काम कर रही है। डॉक्टर धनोज जो आपने 1947 गुर्रेशेख नहीं मैं अभी 1947 नेहरू जी को मत नहीं लेना नहीं लाना चाह रहा मैं। चावला साहब मैं एक राहुल लाल जी जहाँ समय देंगे एक मिनट बहुत आराम से डिबेट कर रहा हूँ। ओके राहुल लाल प्लीज जल्दी से, गुर्रेश जी आपको पूरा वक्त दूंगा प्लीज बोलिए। एक सेकंड देखिए ये जरूर है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन अगर मैं तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार पर गुलदेश साहब देखे यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं तो सुझाव भी देता हूँ और आप कमाई भी कर सकते हैं और तेल का दाम घटा भी सकते हैं इस स्थिति में भी। देखिए नंबर वन, आप अगर ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगा है अमरीका के प्रतिबंध लगा है उसको भारत मानने के लिए कहीं से बात भी नहीं है। ईरान अभी भी आपको सस्ते मूल्य पर तेल देने के लिए तैयार है, आपको वो वाटर सिस्टम में भी लेने के लिए तैयार है, एसीआई प्रीमियम चार्ज बिना लिए हुए देने के लिए तैयार है। नंबर वन विकल्प आपके पास। नंबर टू विकल्प, जरूर रूस के साथ दुनिया के तमाम देशों ने उसके साथ तेल और गैस खरीदने के ऊपर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। अमेरिका तो यह भी कह रहा है कि हम लोग गैस 400 ना खरीदें, हम लोग गैस 400 खरीद रहे हैं ना बिना अमेरिका के पाबंदियों के बावजूद। वो धमकी भी देता है कि अगर आप अमेरिका से आप रूस से अगर आप गैस 400 खरीद रहे तो आपके ऊपर काशा के प्रतिबंध भी लगेंगे, लेकिन भारत सरकार ने उन प्रतिबंधों का परवाह नहीं किया और हम लोग गैस 400 खरीद रहे हैं। जब से यह संकट की स्थिति आई है रूस ने भी अपने क्रूड ऑयल के कीमतों को 40-60% तक वो पेट्रोलियम कंपनियां बार्गेनिंग कर रही है, इतनी कीमतें उन्होंने भी घटा दी। राहुल भाई मुझे तो आपके लिए दो विकल्प है, आप ईरान से भी तेल ले सकते हैं और आप रूस से भी तेल ले सकते हैं। मुझे एक बात, रूस से तेल ले ना मुझे एक बात बताइए, जो पेट्रोल डलवा रहा है, जो डीजल डलवा रहा है, जो दो पहिया वाहन पर है, रामू शामू टामू सोचिए उसके बारे में, उसको क्या मालूम गुर्रेश शेख रूस से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, यूक्रेन से ले रहे हैं, उसको तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 100 रुपए मुझे दे चावला जी है ना सर, चावला जी राहुल जी सिर्फ चावला जी यही चावला जी एक सेकंड मुझे बात पूरी कर लेंगे फिर बोल लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ नहीं देखिए, आप डीजल पेट्रोल के मूल्यों को अगर कम कर देते हैं और सरकार अपने राजस्व को नुकसान भी नहीं पहुंचाती तो आप महंगाई पे काफी हद तक कंट्रोल आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नहीं तो फिर डीजल पेट्रोल कम से कम, मैं चावला जी केवल मैं एक लाइन कह रहा हूँ कि अगर ये तो मैनेजमेंट की बात हुई ना कि सरकार किस रूप में मैनेजमेंट करती है, आपके पास अगर आपदा की स्थिति आई है 4 महीने से अभी तक उठा ना जो सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं कि भाई 125 दिन तक नहीं बढ़े तो सरकार चाहे तो आगे भी नहीं बढ़ सकती है, ये स्थिति आसानी से बन सकती है। मैं उसी पर आ रहा हूँ गुर्रेश शेख, मैं आगे कुछ और आंकड़े पढ़ रहा हूँ जिसका जिक्र अभी धनोज जी ने कहा, देखो इतने सारे आंकड़े लेकर बैठा हूं, पढ़ूं क्या 1947 से, अब 1947 के पढ़ रहे हैं बताइए, मैं तो अभी के आंकड़ों का जिक्र कर रहा हूं। गुर्रेश भाई मैंने आपके सामने जुलाई 2008 का जिक्र किया था और फिर उसके बाद 2021 का, 2008 में जब 132 रुपये डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से
दाम थे कच्चे तेल के, तब पेट्रोल की कीमत महज 50 रुपए थी, महज 50 रुपए अब बोला जा सकता है, और डीजल 34 रुपए। 2021 में यही जो है वो रेट कम हो जाते हैं, सस्ता हो जाता है, महज 82 रुपए पहुंच जाता है, तब 110 रुपए होते हैं। अब एक और मैं आंकड़ा आपको दिखाता हूं, दूसरी प्लेट प्ले करिए। मनमोहन सरकार में 2007 में यह आंकड़ा आपके सामने है, 2007 में कच्चे तेल के दाम पेट्रोल 95.41 था चावला जी, आपका ज्ञान में ले रहा हूं, सुने ना, 95.41 था। आपको बीजेपी ज्वाइन करवा देंगे तब आइएगा, एक मिनट रुकिए आप, मैंने 95.41 था, अभी पूरा आंकड़ा दे रहा हूं, 2008 जुलाई की बात, पूरा आंकड़ा दे रहा हूं, रुकिए, 2008 की बात, रुकिए 2007 में प्लीज प्ले करिएगा सुमित, 2007 में जिस आंकड़े का जिक्र मैंने किया ये आपके सामने है, 65 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से, और पेट्रोल के दाम 42 रुपए प्रति लीटर, डीजल 30 रुपए, और यही $64 यानी कि $1 कम, तब पेट्रोल के दाम 91 रुपए और डीजल 81 रुपए। अब अगली प्लेट प्ले करिए, अब देखिए 2016 और 2020 का अंतर, अगली प्लेट प्लीज, और उसका जिक्र भी मैं करता हूं, जहां पर सीधे तौर पर यह आंकड़ा, जनवरी 2016 में कच्चे तेल के दाम $28 प्रति बैलर, कितने, $28, तब कितना होता है पेट्रोल का दाम, 59 रुपए प्रति लीटर, डीजल का कितना, 44 रुपए प्रति लीटर, और 2020 में यह पहुंच जाता है महज $20, और पेट्रोल 70 रुपए और डीजल 62 रुपए। अब गुरेश शेख मुझे ये थ्योरी समझाइए प्लीज जरा, ये कैसी थ्योरी? नहीं बिल्कुल, आपके आंकड़े बिल्कुल सटीक हैं और कोई दो राय नहीं है उसमें, लेकिन एक और भी आपकी प्लेट चलानी चाहिए मुझे लगता है आपको, कि 2010 की बात करें तो महंगाई की दर हिंदुस्तान में थी 13%, यदि 2011 की आप बात करेंगे तो वो थी 11.2%, यदि 2013 की बात करें तो महंगाई की दर थी 14%, मोदी सरकार में, समूची सरकार में 4.5% मुझे ये भी लगता है कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जिस फॉर्मूले के आधार पे आपने 4 महीने तक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रखे हैं, उसी फॉर्मूले के आधार पर क्या ये पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहेंगे, उसी फॉर्मूले के आधार पर? हमने नहीं रखे हैं, हमने नहीं रखे, आपने नहीं रखे, रखे हैं, रखे हैं गुलराज जी, आपने रखे हैं, तभी स्थिर है, 4 नवंबर के बाद से नहीं बढ़े हैं, ऑयल कंपनियां स्वतंत्र हैं, बिल्कुल देखिए, अच्छा बढ़ाना होगा तो बढ़ेगा, इस पर कोई कैसे विश्वास करेगा? एक बात की नहीं, एक बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं यहाँ बैठ के पार्टी की तरफ से, कि महंगाई की दर 6% को क्रॉस नहीं करने देंगे, जो आप नहीं, छह प्रतिशत वाली बात ही नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि जिस फॉर्मूले के आधार पे आपने 4 महीने तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, क्या उसी फॉर्मूले के आधार पर वो लागू रहेगा या फिर नहीं, मर्यादा नहीं प्रार्थना करता, लागू रहेगा या नहीं, जो कह रहे थे अभी कि जो अनर्थ शास्त्री की इनकी सरकार थी उसके अंदर क्या स्थिति बनी, अनर्थ शास्त्री पेट्रोल डीजल के ऊपर, डीजल के ऊपर आप सबसे सब्सिडी देते थे और बाकी चीजों में गला घोट रहे थे, 14% 13% सीएनजी वाले दाम दिखाइए, सीएनजी गुर्रे जी, ये नए वाले दाम देखे सीएनजी के, सीएनजी वाला दाम दिखाइए सुमित जरा प्लीज प्ले करिए, तो ये सीएनजी के दाम देंगे प्लीज प्ले करिए, ये देखिए थोड़ा सा, ये लेटेस्ट है, चुनाव खत्म सीएनजी के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए, लेटेस्ट है, अब आपके सामने बताइए, ये धनोज जी होते तो 100 रुपए की डलवा लेते सीएनजी, लेकिन हम तो धनोज जी नहीं है ना, मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि ये दाम जो है बढ़ाए कम करें ये उनके ऊपर है, वो स्वतंत्र है, लेकिन बतौर अच्छा वो स्वतंत्र है, गारंटी लेते हैं हम, बिल्कुल एक बात की गारंटी लेते हैं कि 6% से अधिक महंगाई की दर, अच्छा इसकी गारंटी लेते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की गारंटी आपकी नहीं है, नहीं देखिए ओवरऑल आप खाना भी खाते हो, आप ईएमआई भी भरते हो, आप बिजली का बिल भी भरते हो, आप अपने बच्चे की फीस भी भरते हो, आप अपना हेल्थ का इंश्योरेंस भी भरते हो, आप पेट्रोल के पैसे भी भरते हो, इंश्योरेंस भी महंगा हो गया सर,
याद नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी किटी होती है वो। हाँ, सब कुछ महंगा हो रहा है, दूध भी महंगा हो गया, दो रुपए महीने का कितना पैसा निकलेगा वो अलग अलग भागों में बढ़ता है। अगर आप उसको केवल पेट्रोल और डीजल के ऊपर ही सब कुछ कर दोगे, ये बढ़ गया मतलब सब बढ़ गया। बिल्कुल सही कहा आपने, तो मैं पेट्रोल डीजल पे नहीं करता, बढ़ता सारी चीजों का प्रभाव तो पड़ेगा ना भाई, ट्रांसपोर्टेशन का अभी भी आपका मुख्य कंपोनेंट यही है। अभी हम लोग नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक वाले युग में, तो 2030 में आएंगे हम लोग, नहीं करते, नहीं करते, बढ़ रहे थे। मैं नहीं करता, चलिए गुरेश जी, मैं आपकी बात मान गया, राहुल चलिए मान गए इनकी बात, इनकी बात मान गए। अब जरा मकान वाले, जरा ग्राफिक्स प्ले करिए, अब मकान वाले छोड़िए खाने पीने का, अब मकान वाले प्लीज सुमित प्ले करिए। ये मकान के दाम देखिए, सरिया के दाम 6200 से 6400 था और अब कितना 8000 रुपए क्विंटल तक पहुंच गया। गुर्रेश जी, ईंटों के दाम पहले 2800 रुपए और अब 5500 रुपए, अव्वल ईंट बोलते हैं उसको। सीमेंट का रेट 380 रुपए और अब 425 रुपए। बजरी का रेट पहले 48 रुपए क्विंटल था, अब 55 से 60 रुपए। गुर्रेश भाई, नहीं बिल्कुल, आप अर्थशास्त्र, मकान बनाना भी महंगा हो गया सर, मकान बनाना भी महंगा हो गया, बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल वैज्ञानिक पॉइंट रखना चाहता हूँ, राहुल लाल जी भी अर्थव्यवस्था जानते हैं और आप भी जानते हैं सर, जो मकान बना रहे हैं उसको क्या मतलब वैज्ञानिक उससे आधार से सर, ये बताइए ना कि सरिया के रेट, स्टील के रेट मालूम है आपको, स्टील के रेट, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, मैं तो उस पर डिबेट रखने वाला हूँ। जब मौसम दिखाते स्टील के रेट पर कोई चर्चा नहीं हो रही, स्टील के रेट पर जब आप लोग मौसम दिखाते हैं तो सैटेलाइट की पिक्चर दिखा देते हैं कि बारिश हो सकती है नहीं हो सकती है, आंख से देखा हुआ क्यों नहीं दिखाते, तो हमको जब डाटा के साथ ही बात करना होगी। राहुल लाल जी से मैं पूछना चाहूंगा, क्या भारत में स्टेटफ्लेशन की स्थिति है क्या? आ ही जाएगी ना, आ ही जाएगी, अगर ये स्थितियां रहेगी तो आ जाएंगी। जो अभी बन रही है स्थिति, हम लोग धीरे धीरे उसके तरफ अग्रसर हो रहे हैं, अभी नहीं है, बताइए अभी नहीं है, लेकिन बुलडोज का है। देखिए, अगर आप तकनीकी डिबेट करना चाह रहे हैं तो देखिए, नहीं है गुलदस्त का, सुन तो लीजिए, गुलदस्त देखिए, दो तीन चैप्टर मानना पड़ेगा। अभी भी आपके आपके इन्फ्लेशन के आंकड़े में बड़ी गड़बड़ी है अभी भी। अब आप सोच के देखिए कि आपका थोक महंगाई दर आपका कहां डबल डिजिट में घूम रहा है, सिंगल महंगाई दर भी आपका देखिए वो भी 6% से आपका आपका खुदरा महंगाई दर भी 6% तो क्रॉस कर चुका है, 6% है वो भी, 6.06% है वो भी। गुर्रेश भाई, मुझे सिर्फ इतना बता दो, वो भी क्रॉस कर चुका है जो तो आप दावा कर रहे थे। राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक मिनट, मेरा एक मित्र है, सोच लीजिए, सपोज करिए गुर्रेश शेख जी मेरे एक मित्र है, गुर्रेश जी पहले 10 लाख रुपए में मकान बनाना चाह रहे थे, अब उसकी कीमत बनाने में 20 लाख रुपए लग रही है, अब उसको क्या वैज्ञानिक आधार से मतलब, क्या करेंगे गुर्रेश जी? देखिए दो चीजें कि पहली बात तो 10 लाख का 20 लाख नहीं हो रहा है, दूसरी चीज गुलरेश शेख सर कितना हो रहा है, 10 के 15 हो जाएंगे। एक मिनट, यदि पहले साल का 5 लाख कमाता था तो अब गुलरेश शेख 7 लाख भी कमा रहा है। अच्छा। आप बात कर रहे हो 2008 से और 2013। अच्छा। भाई इनकम लोगों की घटी हुई है, अभी कोरोना काल के बाद लोग बेरोजगारी की स्थिति में है इस समय। देखिए ये जो महंगाई की स्थिति है, देखिए आप उसमें कोरोना काल को तो आप मानते हैं और उसमें जो बेरोजगारी बढ़ी हुई थी कोरोना काल के पहले ही आपका बेरोजगारी का दर 50% का रिकॉर्ड तोड़ रहा था, ये स्थिति तो है ना गुलदेश साहब। फिर वो 80 करोड़ कौन है, फिर वो 80 करोड़ लोग कौन है जिसे आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, ऊपर की दिख रही है तो फिर कहां बात कर रहे हैं आप? और मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ ना कि आप बोल दे रहा, कोई बोल दे कि स्टेटफ्लेशन है क्या हिंदुस्तान में? नहीं, तकनीकी तौर पर अभी नहीं है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ तकनीकी तौर पर नहीं है, लेकिन आप सुन तो लीजिए, लेकिन क्या व्यवहारिक स्थिति है? स्थिति ये व्यवहारिक स्थिति तो नहीं है ना, व्यवहारिक स्थिति यह है कि लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं और महंगाई का मामला उन्हें सहना पड़ रहा है, जो देश सामान्य आदमी को ये बात ये आशियाना बनाना भी महंगा हो गया, आशियाना बनाना भी महंगा हो गया, सरिया का दाम 6200-6400 था वो अब 8000 रुपए क्विंटल हो गया, इस पर कोई चर्चा कहीं नहीं है। चावला जी, सांस लेना भी महंगा होने वाला है, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि देश के अंदर स्टेग इन्फ्लेशन है क्या? सरकार घोषणा करेगी तब आप मानेंगे कि स्टेग इन्फ्लेशन है? भारत आर्थिक, रुकिए रुकिए सुन लीजिए, आप इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे हैं,
मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, मुझसे आप बात करिए, फिर आप बात कर रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं, सुनिए बात। पिछले 32 साल में होलसेल इन्फ्लेशन अपने चरम पर है। पिछले 32 साल में 1990-91 के बाद होलसेल इन्फ्लेशन सबसे अधिक 2021-22 में, पहली बात। दूसरी बात, कोरोना काल में जब भारत की अर्थव्यवस्था बंद थी, अरबपतियों की संख्या 102 से 142 हो जाती है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि लगभग 75% परिवारों के आय में कमी हुई है, और गरीबी अमीरी के बीच में खाई आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ा है। उसके बाद सरकार बजट लाती है, बजट में करोड़पतियों अरबपतियों बड़े बड़े उद्योगपतियों का अरबों खरबों माफ होता है, जबकि इनकम टैक्स में कोई रिलीफ नहीं दिया जाता है। इस देश में अडानी पोर्ट पर अरबों का करोड़ों का गांजा हीरोइन पकड़ा जाता है। ये देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? आयोग कमीशन कहता है, गवर्नमेंट की एजेंसियां कहती हैं कि तत्काल 3 करोड़ लोगों को जरूरत रोजगार की है। कोरोना काल में बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं और नए रोजगार नहीं आ रहे हैं, पहली बात तो ये। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कहता है कि भारत भूखमरी के मामले में 101वें पायदान पर चला गया। 5 साल से कम उम्र के बच्चे भूख और प्यास से अपने दम तोड़ रहे हैं, कुपोषण अल्प पोषण के शिकार हैं, बाल मृत्यु दर बढ़ रहा है। नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश गरीबी में नंबर 1 पर हो गया। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा किए थे, आज अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गया। इन्होंने बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया था, खत्म। स्टार्टअप स्टैंड अप फेल, मेक इन इंडिया फेल, काशी को क्योटो बनाने की बात कही थी फेल, और क्रॉनिक कैपिटलाइजेशन, बहुत बड़ी बात मैं एक और कहने जा रहा हूं, राहुल जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं जानते होंगे, हमारे संविधान में संपत्ति के विकेंद्रीकरण की बात कही गई है। क्रॉनिक कैपिटलाइजेशन के तहत मोदी गवर्नमेंट लगातार संपत्ति का केंद्रीकरण कर रही है, जिससे देश की संपत्ति और संसाधन चुनिंदे उद्योगपतियों के हाथ तक सीमित हो रही है और आम आदमी पैसे से वंचित हो रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि इस तरह से सरकार ये चलाते रहे तो अगले 5 साल में भारत आर्थिक मंदी का शिकार हो जाएगा। एक मिनट, इंटरनेशनल इकोनॉमी आशियाना बनाना महंगा, आपने कहा कि इतना नहीं होगा, 10 लाख के 15 लाख लगा लो, 12 लाख लगा लो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पाई पाई जोड़कर सपनों का घर बनता है। कहां से? पाई पाई जोड़कर सपनों का घर बनाने की एक उम्मीद जगती है, अब वो भी महंगा हो गया। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगले महीने से बोला जा रहा है कि होम लोन भी महंगा हो जाएगा, होगा नहीं होगा उस पर एक अलग विषय है। 3 करोड़ बेरोजगार जिसका जिक्र किया जा रहा है, फिर वो कौन है? फिर वो कौन है जहां पर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कितने जीरो होते हैं, कितने जीरो होते हैं? हम आंकड़ों की बाजीगरी से यह साबित कर दें, लेकिन गरीब तो गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया, और हम एग्जिट पोल की दुनिया में सपनों का घर देखते रहे। मैं सिर्फ यह जानना चाह रहा हूं कि जिस फॉर्मूले के आधार पर आप कह रहे थे कि महंगाई कम हो जाएगी 2014 से पहले, वो फॉर्मूला 2014 के बाद गायब कहां हो गया? पेट्रोल से लेकर गैस सिलेंडर से लेकर घर का तेल, सरसों का तेल, नौकरी, ये सब तो गायब हो गया, क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 2013 के अंदर जो 14% इन्फ्लेशन की दर थी, यदि वो एवरेज में 4.5% चलती है तो वो फॉर्मूला लागू हुआ है। आप क्या सिलेक्टिव बात कर रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ गया साहब, सरिया बढ़ गया, अरे भैया सरिया के साथ दूसरी चीजें लगती हैं। आप बोलेंगे कि अरे भाई ये तेल की कीमत बढ़ गई, कड़वे तेल की कीमत बढ़ गई, तो कड़वे तेल के साथ सब्जी भी लगती है जो कि जिसकी कीमत कम हुई है। फूड इन्फ्लेशन पिछले तिमाही का जो आंकड़ा था उसमें ऑल टाइम लो चल रहा था। आप ये कह रहे हैं मुझे कि महंगाई है ही नहीं, केवल ऑयल महंगा था, आप मुझे यही कह रहे हैं ना, महंगाई है ही नहीं। देखिए महंगाई जब नहीं होगी जब स्टेटफ्लेशन होगा। भारत में यदि स्टेटफ्लेशन नहीं है, और ईश्वर ना करे कि कभी स्टेटफ्लेशन की स्थिति आए, यानी मान लो महंगाई नहीं है,
मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेट फ्लेशन नहीं है, और स्टेट फ्लेशन नहीं होगा तो महंगाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई नहीं है चावला जी, खाली मैं एक लाइन जोड़ रहा हूँ, देखिए पूरा वक्त धनो जी बस खाली मैं एक लाइन जोड़ रहा हूँ कि देखिए केवल 3 करोड़ लोग बेरोजगारों की बात नहीं है, जो लोग रोजगार में है और अगर उनकी आय आधी हो गई है उससे भी नीचे घट गई है, वो रोजगार में हमें दिख जरूर रहे, लेकिन वो भी एक तरह से अर्ध बेरोजगार वाले हालत में ही, क्योंकि आज किसी की स्थिति नहीं है कि वो कंपनियों में कह सके कि आप हमें पुराने वेतन बांध पर रख लीजिए। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि कंपनियों के पास विकल्प काफी ज्यादा है कि वो आधे से आधे पैसे में भी किसी को रख सकते हैं। तो इसलिए ये स्थिति है, गलत फहमी नहीं है, ये सच्चाई की स्थिति है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास एक तरह से लोगों के पॉकेट में पैसे कम है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम है, और ऊपर से महंगाई की स्थिति है, और ये खतरनाक स्थिति है। इस बात का जवाब दो लोग दे देंगे, एक मैं और तिलक जी दे देंगे, दूसरे मेरे संस्था के अंदर 68 एम्प्लॉइज हैं और सबको जो प्री कोविड में सैलरी मिलती थी उससे कुछ 5% ज्यादा मिल रही है किसी को, या किसी को बराबर। देखिए आपके आपके एक दो संस्थाओं के अपवादजनक उदाहरण से तो पूरा देश नहीं चल रहा ना, आपके एक दो अपवादजनक उदाहरण से देश नहीं चल रहा। आप बोलने नहीं दे रहे ना मुझे, तिलक भाई आप बताइए कि आपके स्टूडियो में कितने लोगों को वेतन कम दे रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, आप उनका भी देखिए जहाँ न्यूज चैनल बंद हो गए उनके बारे में सोचिए। हमारे यहाँ पत्रकारों के ठेकेदार भी हैं, पता आपको सर, जो राष्ट्रहित के नाम पर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं राष्ट्रहित राष्ट्रहित के नाम पर, वो ठेकेदार भी हैं, वो ठेकेदार भी उन गरीब, वो अगर अगर गरीब पत्रकारों की आवाज नहीं उठाते वो सर, पता आपको, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। तो वो खैर एक अलग विषय है, अलग विषय, लेकिन एक मिनट धनोज जी महंगाई मतलब है ही नहीं, हम मान लेना, मैं अपने महंगाई मित्र से बात कर रहा हूं, महंगाई है ही नहीं मैं मान लूं, समय दीजिएगा समझाऊंगा मैं। हमारे देश की सेंसेस कहता है 2011 और 2002, मैंने 2000 और 2011, उसके बाद हमारे देश में सेंसेस नहीं हुआ है। और आपको जान के ताजुब होगा, मैं थोड़ा सा निकाल के रखा हूं, एक होता गरीब लोग, एक होता मध्यम वर्गीय लोग, एक होता उच्चतम वर्गीय लोग। लेकिन आपको शायद पता होगा कि हमारे देश में 80 करोड़ बिलो द पॉवर्टी लाइन है, ना वो अमीर है ना गरीब है, ना उच्चम लोग है ना मध्यम लोग है। उन 80 करोड़ की जवाबदेही सरकार की होती है, क्योंकि जो बिलो द पॉवर्टी होता है, राहुल लाल जी भी बताएंगे क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं तो कभी कभी पढ़ाता हूं, ये रेगुलर पढ़ाते हैं, इनको मालूम है नहीं, आप कि सरकार किसके प्रति जवाबदेही है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो चाहे वो सरकार बीजेपी की हो। फेडरल इन नेचर, संघीय ढांचा में, आपको मैं बता दूं, आप जो मुद्दे उठाए उस मुद्दे को समझना पड़ेगा कि उस टाइम आपको 2011 में ताजुब होगा, 2000 में सेंसस था 105 करोड़, मतलब हमारे देश की आबादी, और 2011 में हो गया 125 करोड़, समय दीजिएगा तभी समझ पाइएगा। उसके बाद 2022 में अनुमान लगा रहा है 135 करोड़, और इसमें अगर 80 करोड़ बिलो द पॉवर्टी लाइन है तो चर्चा हम करेंगे कितने पे, चर्चा करेंगे हम 45 करोड़ पे 55 करोड़ पे। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे चंद्रेश जी कि 142 अरबपति हुआ करते थे, अभी मुझे नहीं पता कितना है, क्योंकि आजकल तो जो अरबपति होते हैं उनका क्या हाल, आपको भी पता है। नंबर वन, 80 करोड़ को निकाल दीजिए, हम डिबेट कर ले आज 55 करोड़ 45 करोड़ पर। इसमें मध्यम वर्गीय लोग हमारे देश में 17% है, पूरे का मैं बताता हूं, होल 17%, लेकिन उनमें से कोई हमारे देश के अंदर इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, लेकिन सरकार के तमाम चीजों पर अधिकार जताते हो आप, प्रत्यक्ष और महंगाई का भी भरता कि नहीं भरता, क्या बोले, टैक्स दो तरह के होते हैं ना, मैं आपको बताता रहा, दो तरह का टैक्स बोलिएगा ना, वो तो मुझे पता है, सर महंगाई भी दो तरह के होते हैं ना, माचिस की डिब्बी खरीदते हो तो आप पेट्रोल डीजल पर, आप गुलरेज शेख से पूछ रहे थे, लेकिन आप हमसे नहीं पूछे, डिब्बी की बात कर रहा हूँ, माचिस की डिब्बी भी खरीदते हो, अरे सुनिए ना, आप गुलरेज शेख से पूछ रहे थे ना, मुझे 30 सेकंड दीजिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, आपको पता है
डीलर का कमीशन और राज्य सरकार का टैक्स, केंद्र सरकार का टैक्स, बेट, एक्साइज, इस पर तो आप बोल ही नहीं सकते। सरकार पूरे भारत में बीजेपी की नहीं है, बहुत जगह सरकार लेफ्ट की भी है, कांग्रेस की भी है, कहीं गठबंधन में है, तो इन चीजों को देखना पड़ेगा तो कि वो अपना 32% पेट्रोल डीजल की मार 14+14 वो नहीं छोड़ते हैं। पेट्रोल, और आप कहते हैं कि केंद्र सरकार को लाठी पीटा मारो, पेट्रोल डीजल की महंगाई कर रखा है। बहुत मैं थोड़ा सा दूसरे पर आता हूँ, क्योंकि आपके भाषा में समझाता हूँ ना, आप भी पेट्रोल डीजल की मार, महंगाई मित्र ये भी बताइए ना, किसने कहा था पेट्रोल डीजल की मार आपकी बार? एक बात है, किसने कहा ये तो सबको पता है कि आप भी पत्रकार मैं भी पत्रकार हूं, आप अभी लड़े हैं चुनाव, आपको भी मैं गलत ठहराऊं, आप मुझे गलत ठहराएंगे। अभी योगी जी बाबा है और उसको सब क्या क्या बोलता है, आपको मालूम है योगी जी के अकाउंट में कितना रुपया है? आपको पता है मोदी जी के अकाउंट में कितना रुपया है? वही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, इन सब का अकाउंट चेक कर लीजिए आप। मैं उनके अकाउंट में नहीं भेज देता हूं आपको, मैं एक पत्रकार हूं, मैं पूरा डिटेल निकालता हूं। गरीब को दो वक्त की रोटी मिल जाए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। चाय भी पीता है तो कार्ड से, लेकिन अखिलेश यादव कॉफी भी पीता है तो कहां से मनाता है आपको नहीं बताऊंगा मैं। अब ये चरित्र में दूसरे तरफ चला जाएगा, मैं गरीब की बात कर रहा हूं, समय दीजिए थोड़ा, मैं गरीब की बात कर रहा हूं। चावला साहब, यू आर माय डियर, प्लीज गिव मी सम टाइम। बोलिए, 105 करोड़ में 80 करोड़ को अगर हम निकाल देते हैं तो 2.5 लाख रुपया, पहले 75,000 था इंदिरा आवास का, अब कुल मिलाकर इतना बताइए। अभी मैसेज आया धनोज जी से, पूछो 200 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे, 200 का। अरे भाई धनोज कुमार 200 है या 2000, मैंने क्या कहा? मोदी है तो 85 रुपए लीटर है। जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे, उसकी अगर सरकार होती, उनके नेता होते थे 1000 रुपए। आप राष्ट्रभक्त हैं, इसका सबूत देने के लिए 200 रुपए का डलवाना पड़ेगा। 2022 में हम हैं, आप राष्ट्रभक्त हैं, इसके लिए 200 रुपए का डलवाना पड़ेगा। धनोज कुमार, डॉक्टर धनोज कुमार, पीएचडी है डॉक्टर धनोज कुमार, नहीं डॉक्टर धनोज, ऐसे सवाल पूछने वाले से ज्यादा को पढ़ाते हैं हम। ओके, मैं इसमें स्नातकोत्तर को पढ़ाता हूं। ओके, चलते चलते मेरी बात, चलते चलते क्रेजी, यू आर माय डियर। ओके ओके सर, ओके मेरे महंगाई मित्र, एक मिनट, नया आविष्कार महंगाई मित्र, एक मिनट। धनोज जी, कुल मिलाकर राहुल जी को और चंद्रेश जी को आपने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम किसी कीमत पर नहीं बढ़ेंगे, मैं ये मान लूं ना, आप मुझे ये समझा रहे हैं ना, मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूं। डीजल पेट्रोल का दाम मैंने बोला ना आपको, आप राहुल जी के मित्र को कहिए, कांग्रेस पार्टी को नहीं, आप महंगाई राजस्थान में कर दे, वो 32% ना ले अपना। गुर्रेश जी के आज स्वतः हो जाएगा 42 रुपया पेट्रोल। गुर्रेश जी, आप काहे मोदी के पीछे पड़े हुए हैं? गुर्रेश जी, आप कह दीजिए बघेल जी को, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को, उसमें तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत गिरे थे, उसमें तो प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था बदनसीब वालों को चुनोगे, पहले की सरकारें बदनसीब थी जिनमें अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ जाती है, अब तो नसीब वाले इसमें अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घट गई है। ओके राहुल जी, आपको भी पता है आज पूरा वर्ल्ड में हमसे जो मजबूत सरकार है वो भी पेट्रोल डीजल के मार झेल रहा है, क्योंकि होता है। मैंने तो धनोज जी, मैंने तो बता दिया कि आप ले लीजिए ना, ईरान से तेल ले लीजिए, ईरान से तेल लेने का खर्चा हो जाएगा 90 रुपए, आप तो उस हालत में भी सस्ते में दे सकते हैं, आप रूस से तेल ले लीजिए और सस्ते में दे सकते हैं। ओके, कि आपको 85 रुपए लीटर मिल रहा है, 90 रुपए लीटर मिल रहा है, थैंक यू बोलिए। पूरे भारत में अलग अलग रेट है, फिर भी मोदी जी कंट्रोल कर लिए, मैं अपने दोस्त को धन्यवाद देता हूँ, आप भी दीजिए। देखिए दो तीन चीजें हैं, हमने दो तीन नहीं सर, इतना बताइए कि पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़ेंगे ना अब, ये कंपनी जाने, लेकिन मैं तो इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि 6% से ज्यादा मुद्रा फीसदी नहीं बढ़ेगी। ओके, कंपनी जाने, बढ़ा हुआ है अभी, बढ़ा हुआ है गुलदस्ता, 6% से ऊपर है अभी इस समय। ओके, आप आंकड़े थोड़ा चेक कर लीजिए, 6 से ऊपर है। सबका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चलते चलते मैं कमेंट पढ़ देता हूँ। वो कह रहे हैं कि हमारे जो महंगाई मित्र हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ है भक्त, अब आगे नहीं पढ़ूंगा, उन्होंने लिखा है कि नहीं पूरा पढ़िए, उनको उन्हें समझ में आ जाए, उनको जो गैस ऐसी बात भाषा लिखता है ना, उसको कहे कमाए, निकम्मा खोजता बलीमा। ओके, अरे धनोज कुमार, धनोज कुमार 1000 रुपया लीटर दिएगा,
तब भी अपने कमाई से खरीदेगा। ओके, उसको बोलिए निकम्मे को कि कमाए, नौकरी ले, पढ़े लिखे। हो गया। ऑडियो नीचे। वो कह रहे सिलेंडर दीजिए इनको 2000 का, सरसों का तेल दीजिए 400 का, दूध का दीजिए 90 रुपए लीटर और सीएनजी डलवाइए 100 रुपए प्रति किलो। ये है असली महंगाई मित्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। धनोज जी आपका भी, राहुल लाल आपका भी, चंद्रेश जी आपका भी और गुर्रेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये महंगाई है और महंगाई किसी को दिखती है किसी को नहीं दिखती, लेकिन असर सब पर डालती है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता, यही तो है महंगाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।